दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के एपिसोड 31 एंड 32 को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था सियांग कुछ एविडेंस दिखा दिए और अब यहाँ अनिंग को जॉब से निकाल दिया जाता है। ये जो वाइस प्रेसिडेंट होती है, सियांग को बोल दिया इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। इधर सियांग यूसी का टेक्स्ट कर दिया और बोल दिया, क्या तुम अपने फर्स्ट डे ऑफिस पहुँच चुके हो? यंसी उसे बोलता है कि हाँ, और साथ ही में बोलता है, आज तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे दांग ने बताया, ऐसे तुमने आज नैंग को जॉब से निकल पाया। त्यांग बोलती है वो यही डिजर्व करता था। यंसी बोलता है, काश मैं आज तुम्हें वहाँ देख पाता। त्यांग बोलती है, ये तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझे छोड़ कर गए हो। इधर मिस्टर लिन यंसी को वेलकम करते हैं अपनी कंपनी में। यंसी को इनकी कंपनी में टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब मिल चुकी है। इधर ये लड़कियाँ यंसी के बारे में बात कर रही होती है। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट का नया हेड है, बहुत ही हाई प्रोफाइल है और देखने में भी बहुत स्मार्ट है। इधर मिस्टर लिन सारे कलीग से यंसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये लेडी को ज्यादा खुश नहीं होती है यंसी को देख कर। हम मिस्टर लिन फर्स्ट डे ही यंसी को न्यू प्रोजेक्ट दे देते हैं काम करने के लिए। इधर ये सारे लोग तान के प्रमोशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर सियांग चांसू को बोल दिया, मुझे लगता है दोनों को भी जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी। और यहाँ चांसू से बोल दिया, वो बहुत ही जेलस है, बड़ा तो हो गया पर बच्चों की तरह बिहेव करता है, ना तो अपने काम को लेकर सीरियस है ना ही अपने लाइफ में वो सिंसियर है। यहाँ दोंग इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तो अब सियांग से बोल दिया, क्या तुम दोंग को दोबारा मौका नहीं दोगी? तो चांसू बोल दिया, ऐसा बॉयफ्रेंड दोंग बहुत ही अच्छा है, मैं जितने टाइम भी उसके साथ ही उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, पर अब मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक परफेक्ट मैच नहीं है, मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड नहीं कर सकती, शायद मैं उसे दूसरा मौका नहीं दे सकती। इधर ये सुनकर दोंग को बहुत ही बुरा लगता है। इधर सियांग सबको डिनर पे इनवाइट कर दिया और दोंग आने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर चांसू भी होगी। इधर यंसी का कॉल आता है। अब ये सब साथ में होते हैं, यहाँ दोंग भी बाकी लोगों के साथ आ जाता है। असल सियांग ने यंसी का कॉल किया होता है ताकि वो दोंग को भी यहाँ आने के लिए बोल सके, और ये सब यंसी की बात को तो कभी भी इनकार नहीं कर सकते। और अब इधर ये सब लोग खाना एंजॉय करते हैं। अभी यंसी देखता है कि सियांग का कॉल है। यहाँ यंसी अपने शर्ट के बटन्स खोलता है, कॉल रिसीव करता है और वो देखकर हैरान हो जाता है। कॉल पर सियांग नहीं होती बल्कि दोंग और बाकी लोग होते हैं, वो कॉल रखते ही था। यहाँ दोंग बोलता है, बॉस आप इस तरह कॉल रिसीव कैसे कर सकते हैं? अगर मिस सियांग ने आपको इसे देखा होता तो। तो अभी यहाँ यंसी इन लोगों को रूडली बोलता है, बताओ कॉल क्यों किया? अभी यहाँ चांसू भी आती है, वो फोन ले लेती है। दोंग यहाँ से देखने से रोक रहा होता है और चांसू फोन ले लेती है। अब वो यंसी को बोल दिया, यहाँ सारे लोग थ्रो टायर का गेम खेल रहे हैं, सियांग टॉयलेट गई थी, ये लोग उसका फोन लेकर तुम्हें कॉल कर रहे थे। चांसू यंसी से बात कर ही रही होती है, यहाँ सियांग भी आ जाती है। तो वो यंसी को बोलते है कि सियांग भी आ गई और बोलते है, देखो आज ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, क्या तुम जानते हो आज एक आदमी ने सियांग से उसका नंबर भी मांगा। और सियांग जैसे ही देखती है यंसी का कॉल है, फोन लेकर चली जाती है। इधर अब यंसी सियांग को बोलता है, मैंने सुना है कोई तुमसे तुम्हारा नंबर मांग रहा था, क्या तुमने उसे दे दिया? सियांग बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को भी अपना नंबर दे देती हूँ? यंसी बोलता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, ऐसे भी लव लाइफ में मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे समझने की कोशिश करना। और अब उसे गुड नाइट कहता है। इधर चांसू सियांग के पास आती है, बोलती है आज मीटिंग में जाने के लिए अपने साथ कोई चाहिए? यहाँ सियांग बोलती है, कोई भी फ्री नहीं है सिवाय दोंग के, तो मैं दोंग को अपने साथ लेकर जाना होगा। इधर दोंग चांसू के साथ आया होता है और यहाँ वो थोड़ा नर्वस होता है और अपना वो काम बहुत अच्छे से करता है। चांसू देखकर हैरान होती है, अपने काम को इतनी सीरियसली ले रहा है। यहाँ ड्राइंग करने की वजह से दोंग की तबीयत खराब हो गई होती है, यहाँ तक कि वो कार में वॉमिट भी कर देता है। चांसू उसके साथ उधर जा रही है, यहाँ वो दोंग को बहुत ही डांटती है और बोलते है कि मैं तुम्हें घर छोड़ा दी हूँ। यहाँ दोंग भी गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है, मैं खुद जा सकता हूँ। वो लास्ट टाइम चांसू को बोलता है, तुम हमारे रिलेशनशिप को दूसरा मौका नहीं दोगी? यहाँ चांसू उसे ना बोलती है और यहाँ से चली जाती है। और यहाँ दोंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ सियांग यंसी को बहुत ही मिस कर रही होती है। अभी यहाँ यंसी का टेक्स्ट आता है, बोलता है मुझे पता है तुम भी मुझे मिस कर रही होगी। इधर मिस्टर लिन यंसी को बोलते हैं, आखिर तुम क्या कर रहे हो? यंसी बोलता है, मैं फ्लाइट के लिए टिकट बुक कर रहा हूँ।
क्योंकि कोई है जो कि मुझे मिस कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। चैंसी को इतना फ्रेंकली बोलते देख स्टर्लिन तो हैरान होते हैं। इधर चैंसी देखती है कि डॉन्ग तो उसे इग्नोर कर रहा है। इधर सियांग घर पे होती है, तभी डिलीवरी वाला आता है। सियांग देखती है इसमें प्लेन के टिकट्स होते हैं, और तभी यहाँ से युनसी का कॉल आता है। चैंसी उससे बोलता है क्या तुम फ्री हो, फिर सियांग बोलते है कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ क्योंकि किसी ने मुझे अपने साथ प्ले देखने के लिए इन्वाइट किया है। दरअसल सियांग जानती है टिकट युनसी ने ही भेजा है, तो युनसी को बोल दिया शायद ये किसी हैंडसम बंदे ने भेजा है। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती, मैं तो उसी के साथ जाऊंगी। युनसी भी बोलता है कि ठीक है। इधर यहाँ लोग मीटिंग में होते हैं, यहाँ पे ली सॉन्ग आता है जो कि मिस्टर लिन का न्यू क्लाइंट है, जो कि एक एग्रीमेंट पे साइन करने आया होता है। पर यहाँ जब वो युनसी को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो तो कॉलेज टाइम से युनसी से नफरत करता है, और वो युनसी को काफी नीचा दिखा रहा होता है। मिस्टर लिन यहाँ ली सॉन्ग को थोड़ा रोकते भी है, और अब डायरेक्टली ली सॉन्ग बोलता है अगर आप चाहते है कि मैं आपकी कंपनी के साथ काम करूं तो आपको युनसी को निकालना होगा जॉब से। और ये सुनकर मिस्टर लिन को काफी गुस्सा आता है। वो जानते हैं कि उनसे बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही टैलेंटेड है, इसलिए तो उन्होंने युनसी को चुना है। और वो ली जोंग को यहाँ से निकलने को बोल देते हैं। ली जोंग बोलता है कि आपको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अब यहाँ ये लोग परेशान होते हैं कि इनके हाथों से एक बड़ी डील जा चुकी है, और यहाँ ये लेडी बोलती है कि हमारा काम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ युनसी इन लोगों को अपना प्लान बताता है, और अब यहाँ ये सब बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, उससे भी देर रात तक काम करता है। और अब यहाँ वो सियांग को कॉल करके बताता है कि आज वो उससे मिलने नहीं आ पाएगा। सुनकर सियांग थोड़ी उदास हो जाती है, और उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुमने इतने महंगे टिकट्स खरीदे हैं, मैं अकेले ही प्ले देखने चली जाऊंगी। यहाँ युनसी को काफी बुरा लगता है क्योंकि सियांग पे सब्र से उसका वेट कर रही थी। और इधर युनसी अपना काम बहुत ही जल्दी निपटा लेता है, देखकर तो मिस्टर लिन भी उसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। और अब यहाँ वो वापस आ चुका है, वो प्ले देखने आया होता है और सियांग का वेट कर रहा होता है। फिर देखता है कि उसके बगल वाले सीट पे तो यहाँ मिस्टर लू है। मिस्टर लू भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो। इन दोनों को बोला जाता है कि आप दोनों शोर मत करिए, शो शुरू होने वाला है। इधर सियांग की युनसी को कॉल करके बता दिया अभी वो ट्रैफिक में फंसी हुई है, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अब यहाँ सियांग आती है, वो युनसी को बोल दिए तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए। युनसी बोलता है लगता है तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। युनसी तो यहाँ गुस्सा होता है मिस्टर लू को देखकर, उसे लगता है कि सियांग उसके साथ यहाँ प्ले देखने वाली थी। और अब सियांग उससे बोलती है कि हम प्ले देखने चले, युनसी उसका हाथ पकड़ता और यहाँ से ले जाता है। और अब इधर सियांग युनसी को बोलती है आखिर तुम्हें क्या हुआ है, मुझसे इतना गुस्सा क्यों। तब यहाँ सियांग को कॉल आता है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। यहाँ पुलिस ने डॉन्ग को पकड़ा हुआ होता है और बताता है कि ये बंदा लड़की का पीछा कर रहा था रात को। पर डॉन्ग बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तो न्यू कार खरीदी थी, बस ड्राइविंग कर रहा था, नई कार थी इसलिए मैं स्लो चला रहा था और मेरे आगे एक लड़की जा रही थी, उसने मुझे गलत समझ लिया, उसे लगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन में हूँ। सियांग और युनसी को तो डॉन्ग पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ वो ज्यादा कुछ डॉन्ग को नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो चैंस की वजह से पहले से ही परेशान है। और अब यहाँ ये दोनों पुलिस वालों को बोलते हैं कि डॉन्ग गलत आदमी नहीं है, इस लड़की ने बस डॉन्ग को गलत समझ लिया, पुलिस उसे छोड़ देती है। और यहाँ सियांग और युनसी का तो सारा टाइम वेस्ट हो गया। सियांग युनसी सियांग को बोलता है मैं तो तुमसे मिलने आया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।